राहुल गांधी के इस ब्रेकफास्ट पार्टी में ज्यादातर विपक्षी दलों ने शिरकत की। ममता की पार्टी भी इस बार राहुल के बुलावे पर यहां मौजूद नजर आई। राहुल की पार्टी में आम आदमी पार्टी से कोई नहीं आया। ये है एकजुट विपक्ष की तस्वीर। ब्रांड मोदी के खिलाफ विपक्ष ने ऐसी ही तस्वीर बनाने की कोशिश की है, ऐसा ही सपना देखा है। आज राहुल गांधी ने विपक्ष के तमाम दलों को नाश्ते पर बुलाया। नाश्ते में लजीज पकवान के साथ मुलाकातें हुईं, सियासी स्वाद पर बातें हुईं। इस बार विपक्ष के मेन्यू में पकवानों की कमी नहीं है। पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा है, कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन है, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। सभी लोगों ने कहा कि भाई जो चल रहा है अपनी बात अगर अंदर नहीं सुनाई देती है तो बाहर पर ये बात करके लोगों के सामने अपने मुद्दे रखने चाहिए। ये सदन तो ये सरकार बंद करके रख रही है। मंदिर की जो ये चाबी मोदी जी अपने पास रखी है, मंदिर उन्होंने बंद करके रखा है। तो विपक्षी दल यही चाहता है कि लोगों की जो आक्रोश है वो हम सड़क तक लेके जाएं। सर, हम तो विपक्ष कवर ही करते हैं, बताइए कौन कौन शामिल था, कैसी रही बैठक? सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। एक घोर और संवेदनशील सरकार को समझाने और रास्ता दिखाने की कोशिश हो रही है। सारे पार्टी अटेंड किए आज। एनसीपी तो चली गई कि बाकी दल के नेता भी मार्च पे है? एनसीपी सुले जी थे, प्रफुल्ल पटेल जी थे। ये सारा विपक्ष एकजुट है महंगाई के खिलाफ, और ये जो भ्रष्टाचार है, पेगासस है, इसमें जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसमें सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती। राष्ट्रीय मुद्दे से सरकार भागना चाहती है। विपक्ष पहले से ज्यादा मुखर है, तालमेल भी बेहतर दिख रहा है। राहुल की पिछली बैठक से तृणमूल पार्टी नदारद थी, लेकिन इस बार ममता की पार्टी के नेता भी शामिल हुए। इनमें एनसीपी, तृणमूल, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआईएम, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईयूएमएल, आरएसपी, केसीएम और वीसीके शामिल थीं। मॉनसून सत्र में राहुल गांधी के तेवर आक्रामक रहे हैं, वो लगातार सरकार को घेरते रहे। राहुल ने कभी ट्रैक्टर पर संसद पहुंचकर किसानों का मुद्दा उठाया, तो कभी संसद परिसर में महात्मा गांधी की तस्वीर के आगे जासूसी कांड पर सरकार को घेरा। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से ये पूछ रहे हैं कि आपने इस हथियार का प्रयोग हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ क्यों किया? राहुल के नाश्ते वाली बैठक के कई मकसद हैं, मसलन मोदी सरकार की घेराबंदी, मोदी बनाम ऑल की कोशिश, विपक्ष की साझा राजनीति, जासूसी कांड में एकजुटता, संसद में सरकार पर दबाव, 2024 में बीजेपी को रोकना, खुद को टीम लीडर पेश करना। विपक्ष साथ आता है तो बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। मिशन 2024 की तस्वीर काफी बदल जाएगी। 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, 175 सीटों पर क्षेत्रीय दलों और बीजेपी का मुकाबला है। ऐसे में विपक्ष के साथ आने से हर उन सारी सीटों पर बीजेपी बनाम ऑल हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक विपक्ष और अनेक नेता का फॉर्मूला चलेगा कैसे? कैसे सभी एकजुट रहेंगे? कैसे सभी एक मकसद के लिए लड़ेंगे? दिल्ली से आनंद पटेल और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी की इस चाय नाश्ते की पार्टी से बेहद अहम तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। वो तस्वीर दरअसल आपको दिखा देते हैं। इस तस्वीर में 14 विपक्षी दलों के नेता शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही राहुल की टीम तो मौजूद थी, लेकिन इस तस्वीर में राहुल गांधी इन सभी को संबोधित कर रहे हैं।